हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं शाओमी पोको F2 के बारे में, जो कि अगले साल 2019 में स्टार्टिंग में ही लॉन्च होने वाला है। जनवरी या फरवरी के मंथ में ये हमें देखने को मिल जाएगा। बट उससे पहले हम बात करते हैं पोको F1 के बारे में, जो कि 3 से 4 महीने पहले लॉन्च हो चुका है। और उस फोन में हमें कुछ कमियाँ देखने को मिली हैं, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें पोको F2 में उन चीज़ का इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और वो कमियां हमें पोको F2 में देखने को ना मिले। और साथ ही साथ बात करेंगे पोको F2 में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस रेड कलर के बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी पोको F1 की कमियों के बारे में जो हमें पोको F1 में देखने को मिली थी। जो पहली चीज़ हमें उस फ़ोन में देखने को मिली थी वो था उस फोन का डिज़ाइन। फ़ोन काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का था, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे थे उसके, बट जो चीज़ उसमें कम थी वो थी उसकी बैक साइड का उसका डिज़ाइन। बैक से अगर हम उस फ़ोन को देखते हैं तो वो हमें देखने में इतना प्रीमियम नहीं लगता है, एक ऑर्डनरी सा फ़ोन देखने में लगता है। जैसे कि हमें Redmi 6 है या Redmi 6 इस टाइप के फ़ोन्स जो कि 6-7 हज़ार में आते हैं, उनका जो बैक साइड का डिज़ाइन था वही हमें पोको F1 में भी देखने को मिलता था। कुछ खास प्रीमियम लुक देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पर ये ऐसी उम्मीद की जाती है कि पोको F2 में हमें ये चीज़ का इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और उसका भी बैक साइड का डिज़ाइन अच्छा देखने को मिले। अब अगर इसका कंपेरिजन करें रियलमी के साथ तो आपने देखा होगा Realme C1 जो कि सिर्फ 7 हज़ार के प्राइस में आता है, उसका भी जो बैक साइड का डिज़ाइन है पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है और बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन दिया है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। बात करें Realme 2 की तो उसमें हमें डायमंड का डिज़ाइन दिया था और जो कि देखने में बिल्कुल ग्लास बॉडी की तरह लगता था। हालांकि उसमें ना तो कोई मेटल का डिज़ाइन था ना ही ग्लास बॉडी थी, बट डायमंड का डिज़ाइन होने की वजह से वो पॉलीकार्बोनेट का डिज़ाइन ही इतना खूबसूरत लगता था देखने में कि वो उसको प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता था। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ हमें शाओमी पोको F2 में देखने को मिले। जो बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो हमें इसमें कमी देखने को मिली थी वो थी कि इस फ़ोन में ट्रिपल सिम स्लॉट का ना होना, ट्रिपल सिम ट्रे ना होना, जिसकी वजह से हम उसमें 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते थे। हाइब्रिड सिम ट्रे दी गई थी जिससे 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगाया जा सकता था उसमें। अब बेसिकली क्या होता है कि इंडिया में जो मेन नीड्स हैं वो हैं ड्यूअल सिम कार्ड की, कि ज़्यादातर लोग ड्यूअल सिम कार्ड यूज़ करते हैं और उनकी प्रायोरिटी यह है कि उसमें हमें ड्यूअल सिम ट्रे देखने को मिले जिससे कि हम 2 सिम लगा सकें, 1 जियो सिम और दूसरा जो भी उनका सेकेंडरी सिम है वो उसमें यूज़ कर सकें, साथ ही साथ मेमोरी कार्ड भी। मेमोरी कार्ड बेसिकली क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इंडिया में क्या करते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए वो मेमोरी कार्ड को ही प्रेफर करते हैं लोग, जिससे कि अगर उन्हें अपना डाटा किसी दूसरे फ़ोन में यूज़ करना है तो वो मेमोरी कार्ड के थ्रू दूसरे फ़ोन में उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं बजाय उस डाटा को दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करने के। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ हमें पोको F2 में देखने को मिलेगी और ये इस चीज़ का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, तीसरी कमी की जो हमें पोको F1 में देखने को मिली थी, वो था वाइड लाइन L1 का सपोर्ट ना होना, जिसकी वजह से हम नेटफ्लिक्स और अमेज़न की वीडियो को HD में नहीं देख पा रहे थे। तो ये चीज़ इसमें हम फ़ोन में हमें देखने को नहीं मिली थी वाइड लाइन L1 का सपोर्ट। तो उम्मीद करते हैं कि शाओमी जो अपना अगला फ़ोन लेकर आ रहा है पोको F2, उसमें हमें वाइड लाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिले जिससे कि हम अमेज़न और नेटफ्लिक्स की वीडियोस को भी HD में देख पाएँ। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की, चौथी चीज़ जो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए, देखने को मिलना चाहिए, वो है इस फ़ोन का कैमरा सेटअप। कैमरा बेसिकली इस फ़ोन का एवरेज रहा है, ना तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है और ना ही बेकार कैमरा कहा जा सकता है, क्योंकि पोको F1 का कैमरा ठीक था अपने प्राइस और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से और एवरेज कैमरा था। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि पोको F2 जो आ रहा है शाओमी का, उसमें हमें इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए और कैमरा थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का दिया जाना चाहिए इस फ़ोन में। सो ये 3-4 ऐसी मेन पॉइंट्स थे जिस पर शाओमी को ध्यान देना चाहिए, वर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। शाओमी का जो पोको F1 था उसमें हमें प्रोसेसर देखने को मिला स्नैपड्रैगन 845। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो अगला फ़ोन आ रहा है शाओमी पोको F2, उसमें भी हमें स्नैपड्रैगन 845 का ही प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि अब स्नैपड्रैगन 855 भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि
पोको एफ टू में हमें 855 का प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है। आपने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो कि पोको एफ टू के बारे में अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं कि हमें इस फ़ोन में ये देखने को मिलेगा, प्रोसेसर 855 होगा, 3 कैमरे होंगे और फ्रंट कैमरा इन डिस्प्ले कैमरा होगा। तो क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट का फ़ोन होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम इसका प्राइस नहीं होगा, फ्लैगशिप रेंज का फ़ोन नहीं होने वाला है ये, जो कि हमें पोको एफ वन देखने को मिला था 20,000 के आसपास, तो यही चीज़ हमें पोको एफ टू में भी देखने को मिलेगी। और ये जो क्वालिटीज़ हैं, इन क्वालिटीज़ के साथ में फ़ोन्स को 20,000 या 25,000 की प्राइस में लॉन्च करना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ इन क्वालिटीज़ के साथ ये फ़ोन बहुत ज़्यादा ही फ्लैगशिप रेंज का हो जाएगा, 40,000 से ऊपर का ये फ़ोन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन ये चीज़ें देखने को इस फ़ोन में नहीं मिलेंगी। जो आपने वीडियोस देखी हैं या जिन्होंने भी ये क्वालिटीज़ बताई हैं, वो उनकी इमेजिनेशन होती है, वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इस फ़ोन में ये चीज़ें होना चाहिए या ऐसा ये फ़ोन हो सकता है। किसी तरह की अभी कंपनी की तरफ से कन्फर्मेशन नहीं आई है कि जिससे कि आप ये कह सकें कि ये फ़ोन ऐसा ही होने वाला है, इसमें यही क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। हाँ, सिर्फ एक अभी कन्फर्मेशन आई है कि शाओमी जो है वो पोको एफ़ टू लॉन्च करने वाला है, और अभी अब से कुछ टाइम पहले ये कन्फर्मेशन आई थी कि 3 से 4 महीने में वो पोको एफ टू लॉन्च करेंगे। तो अब ऐसा मान सकते हैं कि वो जनवरी या फरवरी मंथ में हमें देखने को मिल जाएगा। पोको एफ वन को भी लॉन्च हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं, तो उस हिसाब से अब इसका सक्सेसर आ जाना चाहिए और लोगों में इस चीज़ का काफ़ी इंतज़ार भी है और इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन भी लगाई जा रही है कि इसका सक्सेसर आएगा और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च होगा। साथ ही साथ दूसरी तरफ रियलमी भी अपना अगला फ़ोन लाने वाला है, क्योंकि रियलमी के जो अब तक फ़ोन्स आए हैं वो उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है, काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए हैं और काफ़ी कम प्राइस में इन स्पेसिफिकेशंस को लॉन्च किया है। जो अब रियलमी की जो मेन चीज़ है कि वो हर लेवल को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड करा, फिर उसके बाद अच्छी डिस्प्ले दी, और उसके बाद जो रियलमी 2 प्रो लेके आए उसमें डिस्प्ले भी अच्छी, वाटर ड्रॉप नॉच भी, प्रोसेसर भी अच्छा, बैटरी भी अच्छी, सब चीज़ें अच्छी प्रोवाइड की। और अब जो उनका मेन फोकस होने जा रहा है वो होने जा रहा है स्लाइडिंग मैकेनिज्म के ऊपर, जो कि अभी ऑनर मैजिक 2, लेनोवो Z5 प्रो और मीमिक्स 3, ये 3 फ़ोन्स ने अभी जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाला फ़ोन लॉन्च किया है पॉपअप कैमरे के साथ में, बेजललेस डिस्प्ले वाला, तो इस चीज़ को कॉम्पिटिशन देने के लिए रियलमी भी अपना फ़ोन ला रहा है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं, किसी तरह की कंफर्मेशन नहीं है कि पोको एफ टू भी इस तरह की किसी मैकेनिज्म के साथ में आ सकता है, चाहे वो बेजललेस डिस्प्ले हो, स्लाइडिंग मैकेनिज्म हो, या फिर ट्रिपल कैमरा या फ्रंट साइड में ट्रिपल कैमरा दे सकते हैं। सो, देखते हैं कैसा रहता है ये फ़ोन, कब तक शाओमी इस फ़ोन को लॉन्च करता है और किस प्राइस रेंज के साथ लाता है, ये तो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में और आप क्या क्या देखना चाहते हैं पोको एफ टू में, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस आप इस फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं और प्राइस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो, फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।